Yes, Amigam, and welcome back. And this is a very important lecture. That is, what is blockchain? और blockchain में आपको इस तरह से समझाऊंगा कि आपके mind में एक story build हो जाएगी, एक concept build होगा, एक example के through सब करूंगा और इस example के गिर्द ही आने वाले सारे lecture जो है मैं इससे connect करूंगा। मेरी कोशिश है कि इस सीरीज को इस तरह से आगे लेके चलूं कि सब कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ कनेक्ट करूं ताकि आपके लिए आसानी हो ऐसी सिचुएशन में कि ज़िंदगी में कोई आपसे पूछता है कि इस सिचुएशन में ब्लॉकचेन लग सकती है, आप कहेंगे लग सकती है या नहीं लग सकती, आप बता पाओगे, तो आपको हर चीज़ पता होगी। और प्योरली नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने इसमें तवज्जो से सुननी है। और ब्लॉकचेन की पूरी सीरीज़ के बारे में आपको एक बात क्लियरली बता दूँ, यहाँ से आगे ख़ास तौर पर आपने एक भी वीडियो मिस की ना, या किसी वीडियो के दौरान 2-4-5 मिनट के लिए आपका दिमाग कहीं और निकल गया या आप कहीं और निकल गए और आप अगली वीडियो पे चले गए, तो आप नहीं समझ पाओगे। आपको सारी इन्फॉर्मेशन कनेक्ट करनी है तो अपने लिसनिंग स्किल्स और अपना कंसिस्टेंट फोकस जो है वो ब्रुएकार लाएं और इस वीडियो को समझें। तो ब्लॉकचेन की फॉर्मल डेफिनेशन पर जाने से पहले मैं आपको समझाता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ, फिर उसको समझेंगे कि ब्लॉकचेन से साथ कैसे रिलेट होती है। इमेजिन करें कि आपको एक इनविटेशन लेटर आया है कि एक बहुत बड़े हॉल में कोई फंक्शन होने जा रहा है, कोई तकरीब हो रही है, और इसी तरह का इनविटेशन लेटर 500-600 और लोगों को भी गया है, उसके अंदर कुछ ऑर्डिनरी लोग हैं, कुछ वीआईपीस भी आ रहे हैं। जब आप वो इनविटेशन लेटर लेके गेट पे जाते हो तो गार्ड कहता है कि हु आर यू, आप कहते हैं जी मेरा नाम ये है और ये मुझे इनविटेशन लेटर आया। वो इनविटेशन लेटर से आपकी पिक्चर देखता है, नाम देखता है और अपने पास पड़े हुए रजिस्टर में देखता है कि ठीक है जी ये मेहमानों की लिस्ट में ये आदमी मौजूद है, चलें जी आप अंदर चले जाएं, सर थैंक यू वेरी मच, आप अंदर आ जाएं। दूसरा आदमी आता है, वो अपना इन्विटेशन कार्ड दिखाता है और गार्ड जो है वो उसको भी अलाउ कर देता है। तो जितने ऑथोराइज लोग होते हैं गार्ड अपने एक रजिस्टर से उनको वेरीफाई करता है और उनको अंदर आने देता है। हो सकता है कि अंदर एक और बंदा भी खड़ा जो रजिस्टर लेके वो आपको वेरीफाई कर रहा हो, तो पर इस तरह से सारे लोग बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। अब अगर मेरे पास भी वो इन्विटेशन कार्ड है और मैं भी उस बिल्डिंग में हूँ, तो अब मसला कहाँ पर है? मसला ये है कि अब मुझे ये नहीं पता कि मेरे साथ बाकी 500 लोग कौन हैं, उनमें से वाकई सारे ऑथेंटिकेटेड लोग हैं या उनमें से कोई क्रिमिनल हैं, टेररिस्ट हैं, मुझे तो बिल्कुल कुछ नहीं पता कि मेरे साथ कौन खड़ा हुआ है, आई हैव नो आइडिया। आप शादी पे जाते हैं, किसी हॉल में बैठे होते हैं, आप सबको नहीं जानते, बाज़ू का आप एक टेबल पे बैठ के खाना खा रहे होते, लेकिन आपको नहीं पता होता सामने वाला बंदा कौन है। क्या उस बंदे को शादी के मालकान ने बुलाया भी था या खुद आ गया, ये आपको बिल्कुल नहीं पता था। हो सकता है वो डेंजरस आदमी हो सकता है वो कुछ नुकसान पहुँचाने की गर्ज से आया हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन एक रजिस्टर से देखी जा रही है, उस रजिस्टर को एक वर्ड याद रखें, मैं लेजर कह देता हूँ, फिलहाल जस्ट लेजर कह देता हूँ मैं उसे। अब हम आते हैं कि इस डेंजरस सिचुएशन में अगर मैं ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी अप्लाई करूँ तो क्या होगा, और अगर ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी ना अप्लाई करूँ तो क्या होगा। पहले हम सिनेरियो देख लेते हैं कि जब टेक्नोलॉजी नहीं है तो हर बंदे को वेरीफाई किया जा रहा है उस रजिस्टर से। अब एक क्रिमिनल आता है, उसका इरादा है कि मैंने अंदर जाके खुदा ना खास्ता कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करनी है, कोई ब्लास्ट करना है, बहुत सीरियस नहीं करते, चलिए क्रिमिनल एक्टिविटी तक रखते हैं, क्योंकि क्रिमिनल एक्टिविटी करनी है, कोई जुर्म करना है। अब उसने अंदर जाने के लिए सिर्फ एक रजिस्टर को एक्सेस करके अपना नाम उसमें डालना है और एक कार्ड प्रिंट करना है और बस। फिर अंदर उससे कोई नहीं पूछेगा कि भाई तू कौन है, कहाँ फिर रहा है, मर्ज़ी से अपना काम करेगा। वो कार्ड लटकाया हुआ है, कौन वेरीफाई करेगा, कोई रैंडमली कोई एक आध बंदा आएगा वेरीफाई करेगा, लेकिन आराम से बच सकते हैं। हम तो वैसे ट्रेनों पे ऐसे ही सफ़र कर लेते हैं जब तक टिकट वाला आके चेक ना करे कि टिकट हमारे पास है या नहीं, हमने उस पर वॉशरूम में छुप जाना होता है। तो इसी तरह से आप कुछ नहीं कर सकते, आपको नहीं पता, उनके मैनेजमेंट वेरीफाई करे तो करे, लेकिन आप पावरलेस हैं। वो बंदा अंदर आ गया है, सिर्फ एक रजिस्टर के अंदर जो गार्ड के पास है, अपना नाम डाला, कार्ड प्रिंट किया और अंदर आ गया, ठीक है, और आप पावरलेस हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, वो जो भी करे आपको पता भी नहीं है। अब हम ब्लॉकचेन पे आते हैं। ब्लॉकचेन क्या कहती है? ब्लॉकचेन ये कहती है, अगर इसी सिनेरियो में मैं ब्लॉकचेन लगाऊं तो उसमें ये होगा कि गेस्ट आएगा, वो गार्ड से कहेगा कि ये लें जी मेरा इनविटेशन लेटर। गार्ड रजिस्टर में देखेगा, हाँ इनविटेशन इसका आया हुआ है, वो उस रजिस्टर की कॉपी उस मेहमान को देगा, कहेगा ये भी साथ ले जाओ। एक पूरे मेहमानों की लिस्ट उसके पास भी होगी जो मेहमान अंदर जा रहा है।
जितने मेहमान आएंगे अपना कार्ड दिखाएंगे गार्ड को, वो मेहमानों की लिस्ट की कॉपी अंदर लेके जाएंगे अपने साथ। हर बंदे के पास बाकी 500 लोगों का कॉपी होगी, ये कौन लोग हैं मेरे साथ। अब इस केस में अगर किसी क्रिमिनल ने अंदर घुसना है और वो गार्ड का रजिस्टर अपडेट कर भी लेता है और जब बिल्डिंग के अंदर एंटर होगा तो आपको क्या लगता है बाकी उसको नहीं पकड़ पाएंगे? जब अनाउंसमेंट होगी कि एक्स वाई जी बंदा बिल्डिंग में आया, तो मैं अपनी लिस्ट में खोल के देखूंगा, मैं कहूंगा ये तो लिस्ट में आई नहीं, मैं साथ वाले से पूछूंगा तेरी लिस्ट में, वो कहेगा नहीं, पकड़ लेंगे उसको, हम रिपोर्ट कर देंगे उसको। अब हमें पता है कि हम जहाँ हैं हमारे साथ कौन खड़ा हुआ है, अथोराइज है या नहीं है। क्योंकि अब अगर किसी अनऑथोराइज बंदे ने अंदर आना है तो उसको कितने लोगों के जो लिस्ट की कॉपी है सबकी बदलनी पड़ेगी। 51% लोगों की लिस्ट जो है वो बदलनी पड़ेगी, तब वो उस बिल्डिंग के अंदर आ जाएगा, तब हम उसे कहेंगे इस बिल्डिंग का बंदा। तो ये तो मुमकिन ही नहीं होता। तो अब ब्लॉकचेन को मैं थोड़ा थोड़ा समझाना शुरू करता हूँ। वो जो रजिस्टर है ना, उसको हम कह लेते हैं स्टोरेज, या उसको हम कह लेते हैं लेजर, ठीक है। आज तक जितनी भी टेक्नोलॉजी में ये हो रहा है कि हम इंफॉर्मेशन जो है वो खाली एक जगह रखते हैं, ब्लॉकचेन कहते हैं नहीं, इंफॉर्मेशन जो है वो सबके पास होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन यूजर के पास होनी चाहिए, पावर जो है वो यूजर के पास होनी चाहिए, ना कि किसी खास मैनेजमेंट के पास। तो पहली ब्लॉकचेन जो आपको ट्रस्ट और पावर देता है, वो उस रजिस्टर की कॉपी करके आपको भी पावर दे दी उसने कि अब आपके पास भी डेटा है। तो डेटा जो है वो पहले सेंट्रलाइज था, अब डिसेंट्रलाइज हो गया। सेंट्रलाइज का मतलब एक जगह था सारा डेटा, डिसेंट्रलाइज हो गया कि अब उस डेटा जगह जगह डेटा पड़ा हुआ है। जगह जगह मतलब कैसे कि हर मेहमान के पास एक लिस्ट है बाकी मेहमानों की, तो डेटा के जो कॉपीज हैं वो सबके पास हैं। तो इसकी इसे डेटा की हिफाजत ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाती है, कोई आम बंदा घुस नहीं पाएगा, क्योंकि कितने बंदों को बंदा एक बेवकूफ़ बना सकता है। तो ब्लॉकचेन के दो तीन वर्ड याद रखें, लेजर, डेटा डिसेंट्रलाइजेशन। अब अगर मैं डेफिनेशन में जाने से पहले आपको ब्लॉकचेन के बारे में बताऊँ ना, तो ब्लॉकचेन आदि आप यही समझिए, ब्लॉकचेन इज मोस्टली अबाउट डेटा डिसेंट्रलाइजेशन। अब इस डेटा डिसेंट्रलाइजेशन से हुआ क्या था, एक तो सिक्योरिटी ज़्यादा हो गई थी कि आपके बंदा अंदर नहीं घुस सकता, प्राइवेसी ज़्यादा हो सकेगी, हो जाएगी। प्राइवेसी ज़्यादा क्यों होती है, उसमें क्रिप्टोग्राफी लगी हुई थी, वो मैं आपको समझाऊंगा। पहला वर्ड है क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी हल्की सी डेफिनेशन मैं आपको देता चाहूँगा, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा होती है। क्रिप्टोग्राफी ऐसे है जैसे आप कोडिंग में कुछ लिखते हैं जो आम बंदे से ना पढ़ा जाए, बस ये क्रिप्टोग्राफी है, सादे से बात है कि आपने इन्फॉर्मेशन ऐसे लिखी अगले बंदे से पढ़ी नहीं गई। तो जो ब्लॉकचेन है वो इन्फॉर्मेशन को ऐसे प्रिंट कर देता है पेपर पे कि अगला बंदा नहीं पढ़ सकता, एल्गोरिथम उसको पढ़ सकता है, मशीन उसको पढ़ सकती है। तो ब्लॉकचेन में आपने वर्ड सीखा लेजर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेटा, डेटा डिसेंट्रलाइज है मतलब जगह जगह है, और प्राइवेसी, ठीक है। अब जब मैं इसकी फॉर्मल डेफिनेशन पर जाऊँगा तो आप शायद इसको रिलेट कर पाओगे, तो जल्दी से फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं। What is blockchain? Well, ये आपको पढ़ के हैरानी हुई होगी, ये मुझे भी हैरानी हुई थी जब मैंने अहमद बनाफा साहब से देखा था कि blockchain is a software, simple। क्योंकि आप ये आगे मैं बताऊंगा किस तरह से आप वो अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करते हैं और किस तरह से आप blockchain का हिस्सा बन जाते हैं और आप एक नोड बन जाता है, आपका कंप्यूटर एक नोड बन जाता है और आप ब्लॉकचेन नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं। बट अगर आपसे कोई आसान से अल्फाज में पूछे भाई ब्लॉकचेन है क्या, आप उसे कहें सॉफ्टवेयर है भाई, ठीक है। अब इसकी थोड़ी डिटेल डेफिनेशन देखते हैं जिसमें आपको पूरी जो एग्जांपल मैंने दी है ना वो सारी आप कनेक्ट कर पाएंगे। ओपन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर दैट कैन रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन बिटवीन टू पार्टीज एफिशिएंटली एंड इन अ वेरीफाइबल एंड परमानेंट वे। कौन कौन से वर्ड आए हैं दोबारा देखें इसको और से जरा, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ड आया, लेजर वर्ड आया और वेरीफिकेशन वर्ड आया। यही मैंने बताया था ना कि हो क्या रहा है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, जो भी उसके अंदर एंट्री आएगी, ट्रांजैक्शन होगी या कोई चेंज होगा, वो हमें पता होगा कि वेरीफाइबल है, ऑथेंटिकेटेड है, तो ब्लॉकचेन आपको ये देती है। तो फॉर्मल डेफिनेशन जो ब्लॉकचेन की है वो ही आप स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हो, दैट इज़ अ फॉर्मल डेफिनेशन। मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर आप इसमें सब कुछ कवर हो जाता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट हल्की सी एग्जाम्पल से हमने देखा क्या होता क्या, बड़े आसान अल्फाज में एक सादा तरीन लैंग्वेज उसकी एग्जांपल देखी और एक हमने उसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखी। अब ये जो बिल्डिंग वाला सारा सिनेरियो है ना, मैं इसको लेके आगे चलूँगा कि किस तरह से प्राइवेसी है तो क्यों है,
अगर ये फास्ट है तो क्यों है, अगर ये एक्सपेंसिव है तो क्यों है, अगर इसके अंदर रिलायबिलिटी है तो क्यों है, अगर ये सिक्योर है तो क्यों है, बहुत सारी चीज़ें जो भी है उस क्यों का जवाब मैं इसी एग्जांपल से ड्राइव करने की कोशिश करूँगा ताकि नॉन टेक्निकल लोग खुद को रिलेट कर पाएँ इस पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। आगे बढ़ते हैं, आगे मैं एक आपको एक और डेफिनेशन दिखाता हूँ। बेस्ट डेफिनेशन हम ब्लॉकचेन ढूंढ रहे हैं तो मैं उसकी बेस्ट डेफिनेशन आपको ये दे रहा हूँ, छोटी सी डेफिनेशन, क्रिप्टोग्राफी प्लस ह्यूमन लॉजिक। आप क्रिप्टोग्राफी प्लस ह्यूमन लॉजिक इसको क्यों कह रहे हैं? ह्यूमन लॉजिक क्या है कि इंसान सोचता है कि यार इस काम को ऐसे करना है ऐसे करना है, हम ना सारा दिन लॉजिक बनाते रहते हैं, तरीकाकार दिमाग में ढूंढते रहते हैं, ये यूं करेंगे तो यूं हो जाएगा, यूं करेंगे तो यूं हो जाएगा, वो लॉजिक्स होती हैं माइंड में, बहुत सही लॉजिक्स होती हैं। तो अगर हम इंसान की जो सोचने की जो लॉजिक की सलाहियत है उसको अगर हम इनक्रिप्ट कर दें, इनक्रिप्ट करना होता है कि किसी पढ़ी जाने वाली चीज़ को इस तरह से बदल दो कि वो ना पढ़ी जा सके, मतलब एक लफ्ज़ आपने लिखा आपने उसको इस तरह से लिख दिया कि वो किसी से नहीं पढ़ा जा रहा, सिर्फ आप ही पढ़ सकते हो या कंप्यूटर पढ़ सकता है या जिसके लिए आपने लिखा वो पढ़ सके। अभी आगे जाके देखेंगे, क्रिप्टोग्राफी प्लस ह्यूमन लॉजिक को मिलाएं तो ब्लॉकचेन बनती है, ये एक और बेस्ट डेफिनेशन है। आगे हम जाके अब देखते हैं इसको कि अब क्रिप्टोग्राफी का थोड़ा सा मैं आपको टच देता हूँ, स्क्रीन पर देखें। क्रिप्टो मीन हिडन, मतलब छुपा हुआ, क्रिप्टो कहते हैं छुपा हुआ, और ग्राफी मीन राइटिंग, ठीक है, लिखना। तो क्या बना? छुपा हुआ मतलब ऐसा हिडन है जो पढ़ा नहीं जा रहा। देयरफॉर क्रिप्टोग्राफी इज अ मेथड ऑफ कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट इनटू अनरीडेबल कोडेड टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट सादा टेक्स्ट आपने लिखा, अनरीडेबल कोडेड टेक्स्ट में आपने उसको कन्वर्ट कर दिया। तो ब्लॉकचेन के अंदर जो प्राइवेसी का एलिमेंट है ना, वो इस वजह से है कि इसकी जो टेक्स्ट को, इन्फॉर्मेशन को जो कोड करता है, अभी थोड़े थोड़े वर्ड आप अपने माइंड में बिल्ड करते जाएं। इनक्रिप्शन क्या होती है? कोड कर देना। डिक्रिप्शन क्या होती है? किसी इन्फॉर्मेशन को जो नहीं पढ़ी जा रही है उसको वापस अपनी असली शक्ल, असल शक्ल में ले आना कि आप पढ़ी जा रही है, उसको हम कहते हैं डिक्रिप्शन, ठीक है। इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, इनक्रिप्शन एक लफ्ज़ आपने लिखा पाकिस्तान जिंदाबाद, हमने उसको इनक्रिप्ट कर दिया, अब वो किसी से नहीं पढ़ा जाएगा, अब वो उससे पढ़ा जाएगा जिसके लिए हमने लिखा, उसके पास एक की होती है वो उससे पढ़ लेता है, और अगर हमने उसको डिक्रिप्ट किया तो वापस वो पाकिस्तान लिखा गया और हम सब उसको पढ़ सकते हैं, डिटेल से देखेंगे। बट अगेन बार बार कह रहा हूँ, नॉन टेक्निकल लोगों को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये होगी छोटी सी डेफिनेशन क्रिप्टो की। मैं आपको एक स्लाइड और दिखाता हूँ, ये देखें, ये क्रिप्टो की वो स्लाइड है जी जिसमें आप ये बताएं कि हमने इनपुट दे रहे हैं, समझे, ये जो येलो एरिया बीच में आप देख रहे हैं ना, ये कोई कोड है। आप छोड़ें हैश फंक्शन का याद रखने की ज़रूरत नहीं, समझें ये कोई कोड है। हम इसको फॉक्स भेजते हैं और ये कोड हमें वापस करता है ये वाली एक गंदी सी करेक्टर स्ट्रिंग, हमें नहीं पता कि यार ये क्या चीज़ें हैं, आप क्या, हम नहीं, हमसे नहीं पढ़ा जा रहा, लेकिन ये फॉक्स ही है जो आप स्क्रीन पे ये देख रहे हैं सारी स्ट्रिंग, इसका मतलब फॉक्स ही है। अगर हम दूसरी एग्जांपल में देखें, हमने भेजा द रेड फॉक्स रन्स अक्रॉस द आइस, उसके अगेंस्ट भी उसने हमें स्ट्रिंग भेजी जो पहले वाली से मुख्तलिफ है लेकिन दोनों का साइज़ एक ही है, तीसरी में भी हमने ये किया एक ही है। तो ये जो सारी चीज़ें इस कॉलम में आप देख रहे हैं ना, तो समझें ये आम बंदा नहीं पढ़ सकता, आप कोई भी इसको देख के नहीं कह सकता कि फॉक्स क्या लिखा हुआ है, मशीन पढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि ये काम किया मशीन ने, है ना, कंप्यूटर ने ये काम किया। देखो यहाँ पे कंप्यूटर अपना प्रोग्राम चलाता है, एल्गोरिदम चलाता है, और उसने ये हरकत कर दी, अब कंप्यूटर तो पढ़ लेगा, और किसी बंदे ने पढ़ना है तो वो बताऊंगा कैसे पढ़ना है। लेकिन समझ लें ये सारी इनक्रिप्शन है, ये सारी जो है वो डिक्रिप्शन है, मतलब ये सारा रीडेबल टेक्स्ट है और ये सारा इनक्रिप्टेड टेक्स्ट है। और ये जो इन रीडेबल टेक्स्ट को इनक्रिप्टेड टेक्स्ट में लेके जा रहे हो, जो पूरा काम हो रहा है, इसको क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। अब क्रिप्टोग्राफी के बहुत सारे तरीके होते हैं, कोई कैसे कोड करता है, कोई कैसे कोड करता है, हम देख रहे हैं एंशंट, अब पुराने ज़मानों में देखें तो यही होता रहा है कि कोई कैसे छुपा के इन्फॉर्मेशन भेजने के तरीके बदलते जा रहे हैं। तो इसी तरह क्रिप्टोग्राफी के बहुत सारे तरीके होते हैं, क्रिप्टोग्राफी एक पूरी फील्ड है, ठीक है, लेकिन क्रिप्टोग्राफी का मतलब सिर्फ इतना है जो अभी आप, अगेन स्लाइड में आपको दिखाता हूँ, इस स्लाइड में आप देख रहे हैं, ये दैट कवर्स द इंटायर क्रिप्टोग्राफी। मैंने ये सोर्स नीचे डाल दिया है ताकि आप लोग जाके इस इमेज को वेरीफाई कर सको। तो ब्लॉकचेन, सादा डेफिनेशन, कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन, बेस्ट डेफिनेशन, क्रिप्टोग्राफी, प्राइवेसी, डेटा, हमने इनका ओवरव्यू ले लिया। ये लेक्चर को अगर चार दफ़ा भी देखना पड़े ना, देख लो, ठीक है। क्यों? बार बार कह रहा हूँ, इसी के अगेंस्ट मैं बार बार चीज़ें इसी से ला के कनेक्ट करूँगा। अब एक और कॉन्सेप्ट देखेंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि मैंने इस सीरीज़ को तीन मॉड्यूल में डिवाइड किया है,
तो सेमी टेक्निकल में जाने से पहले मैं वो नॉन टेक्निकल लोगों को सब कुछ दे दूं जो उनके लिए ज़रूरी है, और फिर वही चीज़ों को हम टेक्निकल वे में देखेंगे अगले कुछ लेक्चर्स में, ठीक है। तो मोस्ट लाइकली मैं अगले लेक्चर में आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बताऊंगा, क्या होते हैं, कैसे होता है, और साथ में थोड़ा सा टच लेंगे हम ब्लॉकचेन एप्लीकेशन का। फिर ब्लॉकचेन एप्लीकेशन पे तो मेरे बहुत से लेक्चर्स आने हैं, वो आगे भी चलते रहेंगे, लेकिन अभी तक इतना ही। इंशाल्लाह जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।